पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य की भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राज्य की सरकार पर भ्रष्टाचार पर आरोप लगाते हुए करारा जुबानी जंग छिड़ा है। कौशिक ने अपने बयान में कुनीतियों से छत्तीसगढ़ को हजारों करोड़ रुपए के कर्ज से लाद देने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर बार बार आरोप लगाने का खंडन कर रही है। आप देखेंगे तो बैठे हुए लोग और बैठने के बाद में बैठे हुए लोग और बैठने के बाद में जो वैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर प्रहार करना, उनको चोट पहुंचाना, उनको अपमानित करना, ये लगातार कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। कांग्रेस के लिए आपको और आपकी टीम को बधाई कि आपने जो दो सेक्टर पकड़े हैं, एजुकेशन और एग्रीकल्चर, ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट जो लास्ट वीक आई है उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि करीब 27% नौकरियाँ भारत में भी जाएंगी और इन दो सेक्टरों में